इस वीडियो में मैं आपको SAP के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे पास अभी डिफरेंट टाइप का SAP है जो फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले अभी हमारे पास एक SAP है जो आपको पूरा दिखाएगा, जैसे कितना किलोमीटर का रेंज है। जैसे ये 15 किलोमीटर तक आसानी से डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है, और इसका रेंज क्या 1310 NM है, वेवलेंथ है। उसके बाद ये SAP है, और ये कौन सा है, क्लास 1 लेजर प्रोडक्ट है। क्लास 1, क्लास 2, इस तरह के क्लास 1, क्लास 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के SAP होता है, और सबका रेंज अलग अलग रहता है। क्योंकि क्या होता है, SAP के अलग अलग कंपनी है, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है और उसके अनुसार कंपेटेबल SAP भी डिजाइन करती है। जैसे कि पहला SAP हमने दिखाया, दूसरा SAP आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये मल्टी मोड अभी आपको यहाँ पे SAP दिखेगा। मल्टी मोड है, 1.25 GBPS का है और 850 नैनोमीटर का है, और ये एक अलग टाइप का SAP है। वैसे देखिए ये सिंगल बैंड हो गया, वैसे ही आपको यहाँ पे एक सिंगल बैंड का दिखेगा। ये 2.4 GBPS है और 1550 NM का है, ये SAP है। और सिंगल मोड और मल्टी मोड में डिफरेंस यही है, अगर आपको कम रेंज के लिए यूज करना है तो आप फिर मल्टी मोड में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करना है तो आपको सिंगल मोड में जाना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे SAP है, सबका अलग अलग है। आजकल बहुत सारा SAP का यूज हम जितने भी अभी करंट में जितने भी टेक्नोलॉजी फाइबर बेस्ड पे काम होता है वहां पे हम SAP का यूज करते हैं। एक अलग SAP आपको दिखाता हूँ जो आपका आज के टाइम में ईपॉन और जीपॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जैसे कि इसे पॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक साइरोटेक का पॉन है, यहाँ पे देखिए पॉन है, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि 1490 नैनोमीटर का है और RX कितना तक कर सकता है, 20 किलोमीटर तक। मतलब कोई अगर इसका यूज करता है फाइबर को तो 20 किलोमीटर तक अपना डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। अभी मैं अभी जाता हूं मेन सर्वर रूम में, आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ यहां पे देखिए, जैसे कि एक एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको फाइबर कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो फाइबर लगा हुआ है। तो एक साइड का क्या होता है, एक ट्रांस और एक रिसीव होता है। तो जैसे कि यहाँ पे एरो से इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, और ये क्या है, दूसरा वाला ट्रांसमिट कर रहा है। तो दूसरे साइड में क्या करेंगे, एक साइड में ट्रांस का रहेगा और दूसरे साइड में रिसीव का फाइबर रहेगा। ये जैसे कि मेरे पास अभी जो फाइबर है, तो अभी एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रांसमिट होगा और दूसरे का डाटा फर्स्ट में आएगा, जिससे पता चलेगा कि हमारा डिवाइस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है। अब हम चलते हैं ट्रांसमिट सर्वर रूम में और आपको दिखाएंगे इक्विपमेंट को। अभी हम सर्वर रूम में आ गए हैं। अभी हमारे पास एक STM16 है, यहाँ पे देखिए जितना भी दिख रहा है येलो केबल के रूप में, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पोर्ट देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक TX और एक RX का। तो यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे कि अभी हमारा एक STM से दूसरे STM में चला गया, ये NRM NML तिनाली है। मतलब यहाँ से आपको करीब 10 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट कर रहा है ये वाला। ये अलग अलग रूट पे यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे NRL दिख रहा है 1, NRL 2, ये अलग अलग डिवाइसों पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सब जगह SAP लगा हुआ है। देखिए जो हमने SAP वहाँ पे दिखाया था वही सारा यहाँ पे इसके स्लॉट दिए हुए हैं, 1, 2, 3। और ये देखिए, ये आपको इथरनेट स्लॉट दिख रहा है। इथरनेट स्लॉट आजकल हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इथरनेट स्लॉट यूज करते हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं कर पाते। ये आपको डाटा ट्रांसमिट आपको 100 मीटर तक अच्छे से डाटा ट्रांसमिट करेगा। इससे अगर ज़्यादा अगर आप रेंज बढ़ाते हैं तो वहाँ पे यूज नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम इथरनेट केबल का यूज किए हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का। अब हम दिखाते हैं आपको, ये जैसे NRL 1 और 2 हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला गया। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक एक्सचेंज है, 2G सिस्टम है। यहाँ पे हम पुराना टेक्नोलॉजी था लो स्पीड के लिए, यहाँ पे हमने यूज क्या किया है, यहाँ पे देखिए इथरनेट केबल का यूज हुआ है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अभी हमने, ये हमारा 3G है, तो 3G में हमने यूज किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो पोर्ट दिख रहा है SAP के थ्रू हमने यूज किया है, क्या चीज़ का, ये 3G में SAP यूज किया है हाई स्पीड के लिए। आप जितना भी डिवाइसेज जनरली आते हैं वो SAP के थ्रू ही हम डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए, अब हमारा एक अलग सिस्टम है, अलग सिस्टम, इसको हम सीपान बोलते हैं। ये भी एक इक्विपमेंट है, यहाँ पे देखिए NRL कॉलोनी का है, वहाँ से डाटा ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है। ये अलग अलग सब जगह हम डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए SAP का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक अलग SAP है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ,
ये देखिए, ये आपको एसएपी अच्छे से क्लियर दिख पाएगा। ये भी एक एसएपी है, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देखिए। और वैसे ही एसएपी सारे डिवाइसेस का, ये 10G वाला पोर्ट का एसएपी है, आपको एसएपी दिख गया। अब हम दिखाते हैं कि हमारा जो डिवाइसेस है हम अब यूज करते हैं इस पे। अभी देखिए हमारा एक OLT है जो GE पोन में है। GE पोन में अभी हमने दिखाया था एक पोन पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो GE वाला जो पोर्ट है ये भी हम यूज करते हैं यहाँ पे। जो ये हमारा जो SFP है वो सेम SFP हमने यहाँ पे भी लगाया। अगर आप OLT में अगर लगाना चाहते हैं तो आपको सेम SFP के लिए यहाँ पे 4 पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे इंटर करके अब फाइबर को इनपुट चाहिए, वो इनपुट हम भी SFP के थ्रू दे रहे हैं। ये ऑन वाला है जिसके थ्रू हम कस्टमर को एंड पे डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हर एक कंपनी आता है, उसके लिए हम अलग अलग SFP का कंपनी डिजाइन करती है। वैसे ही देखिए जो पुराना बेस्ट टेक्नोलॉजी था, एग्निसलैम था, उसके लिए अलग है। यहाँ पे भी देखिए एक ITI प्रोडक्ट है, ट्रांसमिटेड इक्विपमेंट है, यहाँ पे भी हमने SFP के थ्रू यूज किया है। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक गया है, जितना भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस भेजना है तो हमने सभी जगह ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया है। और एक चीज़ और आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे अभी हमारे पास एक OLT से ONU कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखिए ये भी कनेक्टेड हुआ है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर में आपको हमेशा ही ज़्यादा स्पीड का इंटरनेट मिलेगा, आपका जो कॉपर बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है वो उसमें उतना स्पीड नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखिए कॉपर वाला जितने भी केबल होते हैं, ये हमारा एक्सचेंज ही है, वहाँ पे ये सारे कॉपर केबल के थ्रू ही वो डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते थे, जिसके कारण हमें काफ़ी लॉसेस भी होना पड़ता था। ये देखिए एक्सचेंज में यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं। अब हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम दिखाएंगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपको फाइबर आपने देखा होगा, जैसे कि अभी हमारा ये फाइबर होता है कि SC एक फाइबर होता है जो दोनों साइड में पॉन के रूप में रहता है, फिर LC LC रहता है, फिर AC रहता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा।